चाँद, चाँद। निकल जा, निकल जा नवेली के शरीर से, निकल जा, निकल जा। ए कहाँ से आई है? ए बोल, बोल। मामी, ए छोड़ चाँद। मामी, मामी ये क्या करी आप नवेली को क्यों मार रही है? हाय हाय लाटे, ये नवेली नहीं है, ए इसके अंदर चुड़ैल आ गई है। तभी तो करवा चौथ के व्रत के दिन दुखी शेरनी की तरह खा रही थी। मी चुड़ैल उड़ेल कुछ नहीं होता है मामी। यक्षाक्ष भैरव बेताल हम पट मामी मामी यमुना की बुहारे क्या हो रहा है ये? धारी देवी देखनी चाहिए भला धारी देवी का चुड़ैल चली गई। व्यासी नवेली के अंदर चुड़ैल आ गई थी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, आत्मा ईश्वर का स्वरूप होती है, शुद्ध होती है, और ये वशीकरण जैसी चीजें अंधश्रद्धा है, अपमान है ईश्वर का। पर व्यास जी देखिए ना, करवा चौथ व्रत के दिन इसने खाना खा लिया, हाँ? कोई चुड़ैल आ गई होगी। अरे चुड़ैल नहीं, भारी कमी है तुम्हारे पालन पोषण में, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेके जाओ इसे। जी व्यास जी। खुदा पर भरोसा रखें बेग साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जी एक मिनट, घर जाकर सबके सामने नीलकंठ की सच्चाई भी तो लानी है कि चाहत वो लड़की नहीं है जिससे नीलकंठ शादी करना चाहता था, वो तो कोई मीरा थी। हेलो हेलो, मैं जीवन इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ। आपने 3 महीनों पहले चाहत बेग का इंश्योरेंस क्लेम किया था ना, लेकिन आपने अभी तक उनकी मौत का कोई सबूत नहीं दिया है। अगले 2 दिनों में अगर आपने उनकी मौत का कोई सबूत नहीं साबित किया तो ये इंश्योरेंस का केस बंद कर दिया जाएगा। नहीं नहीं ऑफिसर, मैं चाहत की मौत का सबूत जल्द से जल्द आकर आपके ऑफिस में दाखिल करवाती हूँ। ठीक है फिर। ₹2 करोड़ में इतनी आसानी से नहीं गंवाने वाली चाहत, फिर चाहे ये इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए मुझे खुद अपने ही हाथों से तुम्हें मौत के घाट क्यों ना उतारना पड़े।